कोरोना संक्रमण के मामले भले ही प्रदेश में कम हो रहे हों, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में कांग्रेस के गायब होने की बात कही, तो वहीं पर इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी तुरंत पलटवार किया। हिमाचल प्रदेश कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से भले ही धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा हो, लेकिन कोरोना को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड संकट के दौर में कांग्रेस के गायब होने की बात कही, तो एकाएक कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार करते हुए सीएम को ही चश्मा बदलने की नसीहत दे डाली। इस कोविड के इतने बड़े संकट में कांग्रेस कहां थी, कहीं भी दिखाई नहीं दी। बातें बहुत करते रहे, सिर्फ रस्मी बातें करते रहे, हमने इतना किया, हमने वो इतनी मदद की, दो गाड़ियों में कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री भेजी, हम तो उस सामग्री को ही पता कर रहे हैं कि वो सामग्री थी क्या जिसमें 2 गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में 2 करोड़ रुपए की उसकी लागत बताई। तो इसलिए कांग्रेस पर कोई देश में विश्वास करने वाला आदमी रहा नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है। कोरोना के समय में कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता है वो आम जनता में नज़र आ रही है, और हमें मुख्यमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 25 से 30 के करीब हमारी जो एम्बुलेंसेज है, जो हमारे पार्टी के विधायकों ने डोनेट की है, वो लगातार इस कोरोना के समय में लोगों की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस क्या कर रही है इस पे निगाह न रखे। हमें अपना दायित्व निभाना आता है, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। सरकार में होने के नाते मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, वो जनता को बताएं कि आपने इस कोरोना के समय में लोगों की कितनी मदद की है। दरअसल शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस ने कोरोना के दौर में भी सिर्फ राजनीति की है, कांग्रेस ने सिर्फ हवा हवाई बातें की है, इसीलिए देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना है कि वो जो भी करना चाहे वो करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उनको करने का अधिकार है। जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पित भाव के साथ जो है जन सेवा में लगी हुई है, और ये हमारा कार्य है, हम करते रहे। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर ही कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता की क्या मदद की है वे प्रदेश की जनता जानती है। मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में क्या मदद की है। सरकार मौतों के आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सबने जाकर लोगों में सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए हैं, और यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो है डोनेट किए हैं। डेथ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, लेकिन जो कॉलम है उसे भरा नहीं जा रहा, कारण नहीं बताया जा रहा। प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, आने वाले वक्त में हम इसे बेनकाब करने वाले हैं। जितने इनके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बने, मैंने तो स्पष्ट तौर पर ये आरोप लगाए, उसमें भी बहुत ज़्यादा घालमेल हुआ है। वार पलटवार की इस राजनीति के बीच अब हिमाचल में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर कोरोना को लेकर अभी और लापरवाही बढ़ती गई तो हालात एक बार फिर बिगड़ सकते हैं। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो विकास शर्मा जुड़े हुए इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, कोरोना के आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बयानबाजी का दौर जारी, और हाल ही में सीएम और राठौर आमने सामने हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये पहली बार नहीं है जब आमने सामने जो है कांग्रेस और बीजेपी है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री या राठौर है। कई बार हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने मुकेश अग्निहोत्री होते हैं। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आज हाल जब मुख्यमंत्री से ये पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जन आक्रोश रैली है, सवाल ये था, लेकिन मुख्यमंत्री बिफर गए, और मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से पलटवार जो किया है वो देखने वाली बात है। आपने भी सुना कि चश्मा बदलने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ ये कहा गया कि मुख्यमंत्री को ही चश्मा बदल लेना चाहिए,
किस तरह से, किस नजर से कांग्रेस के जो तमाम इंतजाम थे कोरोना काल के बीच में, उनको देखने की जरूरत है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि राजनीति भी पूरी तरह से चरम पे है। वहीं कोरोना मामले जो है बेशक घट रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो है जिस तरह के हालात बने थे हिमाचल प्रदेश में वो देखने लायक थे। और ऐसे में जो अगर हम पार्टियों की अगर खास तौर पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी थी, सिर्फ और सिर्फ काम गिनवाने की होड़ लगी थी और कुछ नहीं था। मजदूर और निचले तबके के जो लोग थे वो मर रहे थे, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आगे आई, लोग आगे आए और लोगों ने आकर जो है उनको बचाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, पार्टियों ने काम किया होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पार्टी में सिर्फ होड़ एक ही चीज की थी कि मीडिया के सामने आना है, फोटो खिंचवानी है कि हमने मदद की, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। आम आदमी जो है वो त्राही माम कर रहा था क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था। इस साल की अगर बात करें तो हालात थोड़े सामान्य जरूर थे, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी नजर आई सामने और पार्टियां जो हैं वो भी सामने नजर आई, लेकिन ऐसे में जो राजनीति है वो भी पूरी तरह से हो रही है। अब एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, काले अक्षरों में जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आई, किसी तरह की कोई मदद उन्होंने नहीं की, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमने बहुत मदद की है और हमें अपनी मदद को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या मदद की है, किसकी मदद की है। जो कुलदीप सिंह राठौर हैं, जो पीसीसी चीफ हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि कई तरह की मदद जो है वो यहाँ पर की गई है, 34 के करीब जो है जो एम्बुलेंस है सेवा वो यहाँ से जो है वो मदद के लिए दी गई है लोगों को और प्रदेश भर के लिए जो है वो दी गई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने आरोप जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर ये लगाया है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जबकि सभी मुद्दों को उजागर करना विपक्ष का दायित्व तो है। ऐसे में कुलदीप सिंह राठौर ने आज एक संगीन आरोप जो है वो लगाया है। उनका ये कहना है कि जो मौत का आंकड़ा है राज्य सरकार वो कहीं ना कहीं छुपा रही है, 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो स्पष्ट नहीं किया जाता, जिस पर मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मौत का आंकड़ा छिपाने में कोई ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग जो है उसको पहले ही आदेश दिए गए हैं कि जितनी मौतें होंगी या जितने लोग संक्रमित होंगे, बाकायदा उसका जो है मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से अब मुद्दे जो है वो तलाश रहा है और लगातार मुद्दे उठा रहा है विकास, और ऐसे में राजनीति भी अब तेज होती जा रही प्रदेश में। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अब